Good morning, students. So today in grammar we are going to start chapter number 20. हमने chapter number 19 तक finish कर लिया था, right? So today we are going to start chapter number 20, that is head, H-A-D, head. Now read, R-E-A-D, read the, T-H-E, the following, F-O-L-L-O-W-I-N-G, following sentences, S-E-N-T-E-N-C-E-S, sentences, okay? हमें क्या करना है, ये following sentence जो नीचे हमें दिए गए हैं, वो हमें read करने हैं. Now, number one, Mary, M-A-R-Y, Mary had, H-A-D, had, a little, L-I-T-T-L-E, little, lamb, L-A-M-B, lamb. Mary had a little lamb. तो Mary के पास little lamb, मतलब sheep होती है, sheep का small baby को हम lamb बोलते हैं, right? तो उसके पास क्या है? Mary had a little lamb. Number two is, she had, H-A-D, had, bread, B-R-E-A-D, bread, and jam, J-A-M, jam. For, F-O-R, for breakfast, B-R-E-A-K, breakfast, F-A-S-T, fast, breakfast, yesterday, Y-E-S, yesterday, day, yesterday. तो उसने कल, yesterday का मतलब क्या होता है? कल. उसने कल क्या खाया था? उसने bread and jam कल खाया था. तो ये हमने सेंटेंसेस रीड किए. अब इसमें से आपको, आपने देखा होगा कि दोनों जगह हेड यूज़ किया है, राइट? तो हेड क्यों यूज़ किया है वो हम यहाँ पे देखते हैं. नाउ लुक, हेड, एच ए डी, हेड इज़ यूज्ड, यू एस ई डी, यूज इन प्लेस, पी एल एस ई, प्लेस ऑफ, एच ए एस, हैज़ और एच ए वी ई, हैव. हमने 19 चैप्टर हैज़ एंड हैव का किया था, राइट? तो हैज़ और हैव की जगह आप हैड यूज़ कर सकते हो. पर कब यूज़ कर सकते हो? व्हेन, डब्ल्यू एच ई एन, व्हेन, वी, डब्ल्यू ई वी, टॉक, टी ए एल के, टॉक अबाउट, ए बी ओ यू टी, अबाउट समथिंग, एस ओ एम ई टी एच आई एन जी, समथिंग, दैट, टी एच ए टी, दैट, हैज़, एच ए एस, हैज़ ऑलरेडी, A L R E A D Y, already happened, H A double P E N E D, happened. तो जो चीज़ पहले हो चुकी है, राइट? अभी हो रही है नहीं, हो चुकी है, राइट? मतलब पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है वो आपको इंडिकेट कर रहे हो, मतलब वो आप बता रहे हो. तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? हैड यूज़ कर सकते हो, हैज़ और हैव की प्लेस पे, राइट? हैज़ और हैव हम कब यूज़ करते थे? जब हम अभी की कोई बात बता रहे हो तब, राइट? नाउ फर्दर सी, वी यूज हैड विथ, डब्ल्यू आई टी एच, विथ, आई, वी, यू, ही, शी, दे, एंड विथ स्पेशल नेम्स, एस पी ई सी आई ए एल, स्पेशल नेम्स, एन एम ई एस, नेम. एग्जाम्पल, टीना एंड राज. अभी हमें यहाँ पे क्या बोला है कि हम हेड कब यूज़ सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं? आई के साथ भी कर सकते हैं, वी के साथ, यू के साथ, ही, शी, दे और कोई भी स्पेशल नेम्स हो. जैसे हमारे नेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल नेम्स, किसी भी पर्सन के या एनी, तो उसके साथ भी आप हेड यूज़ कर सकते हैं. We may use yesterday, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y, yesterday, last week, L-A-S-T, last, W-E-E-K, week, last week, last month, M-O-N-T-H, month, last journey, J-O-U-R-N-E-Y, journey with head, और head के साथ कोई भी सेंटेंस में अगर yesterday हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो या लास्ट जर्नी, मतलब हमें पास्ट का बता रहे हो तो हम कभी भी हेड यूज़ कर सकते हैं, ओके? अभी ये सेम आपको पॉइंट्स सी डब्ल्यू में लिखने हैं.
मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले हम ये एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज ए, टिक TICK टिक, द करेक्ट CORRECT करेक्ट, वर्ड्स WORDS वर्ड्स, इन दी ब्रैकेट्स BRACKETS ब्रैकेट्स। अभी यहाँ पे हमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें जो ब्रैकेट्स है वहाँ पे हमें अगर कोई भी जो करेक्ट वर्ड है उसको क्या करना है, टिक करना है, राइट। नाउ नंबर वन, अ स्क्विरल SQUIRREL अ स्क्विरल, हैज और हैड अ बुशी BUSHY बुशी टेल TAIL टेल। तो इसमें हम हमें कोई पास्ट की बात बता रहे हैं? नहीं बता रहे। इसमें कहीं पे भी यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट जर्नी ऐसा कुछ है नहीं है, राइट। इसमें IVU HE SHE THEY या कोई स्पेशल नेम है नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, हैज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर। अ स्क्विरल हैज़ अ बुशी टेल, ओके। नाउ नंबर टू इज, ही हैज़ और हैड फीवर FEVER फीवर लास्ट LAST लास्ट वीक WEEK वीक। अभी देखो इसमें लास्ट वीक यूज़ किया है, मतलब ये हमें पास्ट की बात बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हैड, ही हैड फीवर लास्ट वीक। नंबर थ्री इज, शी हैज़ लॉन्ग हेयर, तो यहाँ पे हमने हैज़ यूज़ किया, क्यों, क्योंकि हमें ये प्रेजेंट की मतलब ऐसे ही बात बता रहे हैं, कोई पास्ट की बात हमें नहीं बता रहे। नंबर फोर, आई हैड अ बुक BOOK बुक दैट THAT दैट आई रीड READ रीड लास्ट LAST लास्ट नाइट NIGHT नाइट। अभी इसमें लास्ट नाइट यूज़ हुआ है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैड। नाउ नंबर फाइव, ही हैड मैनी फ्रेंड्स वैन ही वॉज इन दिल्ली DELHI दिल्ली, तो दिल्ली में था तब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मतलब ये पास्ट की बात हुई ना, तो हमने क्या यूज़ किया, ये हैड। नंबर सिक्स, अ पाम ट्री PALM पाम ट्री TREE ट्री हैज़ बिग लीव्स। अब इसमें कोई भी पास्ट की बात नहीं की गई है, ना कोई लास्ट वीक यस्टरडे ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया गया, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, हैज़। नंबर सेवन, हर स्कूल हैज़ अ बिग लाइब्रेरी LIBRARY लाइब्रेरी। नंबर एट, शी हैड अ टेस्ट लास्ट मंडे MONDAY मंडे। अभी यहाँ पे लास्ट मंडे यूज़ हुआ है इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, नेक्स्ट। You had a blue pen. Have you lost it? तो उसको पूछ रहे कि तेरे पास एक ब्लू पेन थी तो वो क्या गुम हो गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, had, और यहाँ पे you भी है तो you हो तब हम had use कर सकते हैं, right? नंबर टेन, a giraffe 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 has a long neck. Okay. अभी हमें CW में देखना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज, चैप्टर नंबर 20, हेडिंग देना है हेड, टुडेज डेट 7/1/2021 CW। नाउ लर्निंग पॉइंट्स, जो हमने टेक्स्ट बुक में रीड किया था वो सेम हमने लर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे राइट किए, राइट। जैसे हैड इज यूज इन प्लेस ऑफ हैज और हैव when we talk about something that has already happened. Number two, we use had with I, we, you, he, she, they and with special names. Example, Raj and Tina. Number three, we may use yesterday, last week, last month, last journey with had. For examples, Mary had a little lamb. Number two, she had bread and jam for breakfast yesterday.
नंबर थ्री, आई हैड अ बुक दैट आई रीड लास्ट नाइट. ओके, ये आपको लर्निंग पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं. देन यू हैव टू लीव वन लाइन एंड स्टार्ट एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. नाउ नंबर वन, आई हैज और हैड फीवर लास्ट नाइट. यहाँ पे क्या आएगा, आई हैड फीवर लास्ट वीक. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट वीक यहाँ पे मेंशन किया गया, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, हैड. नंबर टू, दे हैड और हैज़ मैनी टॉयज. तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, हैज़ और हैड. तो दे हैड मैनी टॉयज, राइट. अभी नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन आप लोगों को अपने आप करने हैं. मैं एक बार रीड कर देती हूँ. शी हैड और हैज़ लॉन्ग हेयर. नंबर फोर, ही हैज़ और हैड टू ब्रदर्स. नंबर फाइव, ही हैज़ और हैड अ फुटबॉल मैच यस्टरडे. नंबर सिक्स, राधा हैज़ और हैव अ ब्यूटिफुल पिंक अम्ब्रेला. नंबर सेवन, अ स्कूल हैज़ और हैड अ बिग लाइब्रेरी, राइट. आप लोगों को ये अपने आप कर देने. थैंक यू.